मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड में राजद की राजनीति जमीन को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से तेजस्वी यादव झारखंड का दौरा करेंगे। 12 फरवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव झारखंड का एक दिवसीय दौरा करेंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव कई बार झारखंड का दौरा कर चुके हैं। झारखंड में राजद की मजबूत पकड़ बनाने और राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद तेजस्वी यादव पहले कर चुके हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने और अन्य कारणों से तेजस्वी यादव का दौरा टल गया था। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड में लालटेन की लौ को तेज करने के लिए झारखंड का दौरा करने वाले हैं। तेजस्वी यादव एक बार फिर से झारखंड में राजद की मजबूत जमीन को एक बार उपजाऊ बनाने के लिए अब दौरा करेंगे। ऐसे में 12 फरवरी को तेजस्वी यादव राजधानी रांची आएंगे, जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वो कार्यकर्ताओं को जीत मंत्र का आगाज करेंगे। ऐसे में लोकसभा के चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव का दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। अगले वर्ष झारखंड में भी लोकसभा चुनाव होने हैं और राजद दो सीटों पर लगातार दावेदारी करती रही है। चतरा और पलामू की राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव फिर से दौरा करने वाले हैं। ऐसे में राजद के कार्यकर्ताओं को जहां वो मंत्र देंगे, वहीं हेमंत सरकार पर भी दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में राजद के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से उम्मीद की किरण जगी है कि उसे हेमंत सरकार में तरजीह मिलेगी और महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी यादव उनकी जोरदार हेमंत सरकार के समक्ष वकालत करेंगे। ऐसे में राजद नेताओं के समक्ष एक आशा की किरण तेजस्वी यादव हैं, जिनका दौरा 12 फरवरी को झारखंड का होगा। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, युवाओं के दिल की आवाज़ और बिहार के उप मुख्यमंत्री, 12 फरवरी को बिरसा मुंडा की धरती रांची पे आगमन है। इस संदर्भ में आज गोड्डा के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव जी ने वहाँ मुलाकात किया और मुलाकात करके झारखंड के वस्तु स्थिति, संगठन के बारे में, वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में उन्होंने अवगत कराया और सारे वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं 12 फरवरी को रांची में आऊँगा और सारे नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, मंत्री से मिल करके संगठन को कैसे दुरुस्त किया जाए, पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक कैसे संगठन हमारा मजबूत होगा, उस पर विचार विमर्श करेंगे। इसी संदर्भ में वो रांची आ रहे हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।